नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश और आपका स्टडी हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं CCL यानी सेंट्रल कॉल फील्ड्स लिमिटेड के बारे में दोस्तों, कि उसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हो, कौन सी लास्ट डेट है। तो दोस्तों इस सब मैं ऐसी वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं CCL से जुड़ा कोई भी नया वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हो। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कौन सी लास्ट डेट है वो भी इसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नहीं पसंद है डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्रम की एक वेबसाइट की तरफ लेकर चलता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक खोल के रखी है वेबसाइट, जिसका लिंक ये देख सकते हो आप ऊपर दिया हुआ है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए, आपका फर्स्ट नेम यानी आप जो भी आप नाम लगा रहे हो, जैसे भी कोई भी नाम है अपना जो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई भी नाम है अपना लिख लीजिए। उसके बाद आती है मिडल नेम की दोस्तों, आपका सर नेम क्या है वो लगाइए दोस्तों, यहाँ पर सर नेम लगा दीजिए। उसके बाद सर नेम के बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम लगाने जो भी आपकी जाति हो वो लगा दीजिए यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों करते हैं बता, उसके बाद ये तीनों हो जाने के बाद आवाज आती है आधार नंबर की दोस्तों, आधार नंबर जो भी है आपका यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी दोस्तों, अगर आपके ईमेल आईडी बनी हुई है तो दोस्तों आपके ये तो पक्का है कि बनी हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी वो यहाँ पर डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप एक पासवर्ड डालिए दोस्तों, एक पासवर्ड डालिए, जैसे यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए, 1234 जो भी है जो डाल दीजिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों कंफर्मेशन पासवर्ड की, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन पासवर्ड ये सेम ही डालना होगा, सेम फ्रेंड सेम होगा यहाँ पर कंफर्मेशन, मतलब आप अगर आप गलती से एक आधा नंबर आप गलत लिख देते हो दोस्तों, तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन करना होता है दोस्तों कि आपके ये सही है या नहीं, कंफर्म करना होता है कि ये आपने डाला जैसे ही। आपके अगर कीबोर्ड पर एक भी नंबर गलत हो गया दोस्तों, आपको फिर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको लॉगिन नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करते ही आपके दोस्तों यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, जैसे कि मैंने वीडियो में बता दिया है कि किस प्रकार से डालनी है दोस्तों। जब ये सारी हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहे लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना दोस्तों। लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके दूसरा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, अगर दोस्तों आपके पहले से अगर बनाई हुई है आईडी तो दोस्तों आपको यहाँ पर सभी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद लॉगिन कर लेना होगा दोस्तों। अगर नहीं बनाई हुई है तो दोस्तों यहाँ पर नीचे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर सारी चीज़ें मांग रहे हैं, अभी हम उन्हें डालेंगे तो दोस्तों अगर रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, और अगर आपके पहले से आईडी बनी हुई है इसमें आईडी बनी हुई है दोस्तों तो यहाँ पर लॉगिन पर जाके कर लीजिए, यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी है जो ईमेल आईडी की पासवर्ड है डाल दीजिए और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। आपके लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो भाई चांस तो उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको नया पासवर्ड मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो हमारे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाइए, बेल आइकन को दबाने से आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।